Thank you.
Thank you.
सुता दिव्य गंध भाग कदम्ब पुष्प राजयूषिता नंद सुनु भक्त संग संगमाभिनंदिनी पापुनातु सर्वदार विंद बंधु नंदिनी फुल्ल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस दर्श पूजिता भक्ति विद्ध देव सिद्ध किन्नराली पूजिता तीर गंध वाह गंध जन्म बंध रंदिनी पापुनातु सर्वदार विंद बंधु नंदिनी चिद विलास Nice.
अष्टकम् गंगे चंबे ताड़ी विनिंदी रोजी Thank you.
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Jay Gaur Gadadhar Jay Gaur Gadadhar Gaur Gadadhar Jay Gaur Gadadhar Gaur Gadadhar Jay 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 Gaur Gadadhar Gaur Gadadhar Jay Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Oh 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 Hari 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 Bol, Oh Hari Bol, Hari Bol. ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्य क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। शिशि गौर गदाधर शिव की जय। ठीक है बाद में देखूंगा मेरा तो क्या हुआ। आज एक बड़ी पुण्य तिथि बड़ी शुभ तिथि आज पंचतत्व में अन्यतम श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिथि। चैतन्य चेतामृत कहती पंचतत्व आत्मकम कृष्णा भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। भगवान पांच रूपों में प्रकट शक्ति शक्ति मतोर अभेदः। भगवान की शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं ये सिद्धांत है। शक्ति शक्ति मतोर अभेदः। आज श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिथि। ये श्री गदाधर पंडित जी कौन वो तो महाप्रभु जी की शक्ति एक विशेष शक्ति। ब्रज में जिस प्रकार से हम लोग श्रवण करते हैं कि ब्रज लीला में श्री कृष्ण के साथ उनकी हलादनी शक्ति सब समय विद्यमान रहती है। कभी भी राधा जी को छोड़कर भगवान किसी लीला में इतना सुख और इतना आनंद नहीं पाते जितना राधा जी के साथ रहकर ही वे परम सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। संसारी अपि संसार वासना बद्ध श्रृंखला राधा अदाम हृदयम त्यजति व्रज सुंदर। श्री राधा जी को अपने हृदय में स्थापित करके श्री कृष्ण सभी ब्रज गोपियों को छोड़कर राधा जी को साथ ले गए। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने राधा जी की महिमा का गान किया और समस्त लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ श्री रास लीला भी रास भंगीलो अजी राधा विहार। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी जो गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगम वराय थे साक्षात महाप्रभु जी की गौर शक्ति के स्वरूप श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं कि राधा जी के बिना वह रास भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए वह राधा जी के
अपार गुण है। राधा जी का कितना महिमा वर्णन करें। तो जब श्री कृष्ण राधा जी का भाव और कांति धारण करके कलयुग की प्रथम संध्या में करुणया अवतीन कलौ कृपा पूर्वक करुणा से परिपूर्ण होकर कलयुग में अवतीन हुए तो कैसे हुए, उसे सौ पार्षद स्वधाम सह बतारे, अपने समस्त पार्षदों के साथ अपने नित्य धाम के साथ श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए। करुणया अवतीन कलौ श्री महाप्रभु जी कौन होते, राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा जी का ही भाव कांति धारण करके स्वयं श्री कृष्ण उन्हीं राधा जी के भाव को अंगीकार करके ग्रहण करके और उस भाव का आस्वादन कर रहे हैं, ये गौर लीला है। परंतु गौर लीला का एक विचित्र है, एक वैशिष्ट है, गौर लीला की एक प्रधानता है कि भले ही महाप्रभु जी राधा जी का भाव कांति लेकर आए परंतु एक मूर्त रूप में राधा जी भी वहां पर एक रूप से प्रकट होकर आई। राधा जी का भाव क्या है ब्रज लीला में, होते वाम्य भाव। और यूं तो कभी हम लोग सुनेंगे, बड़ा विस्तार विषय है, 360 प्रकार के भाव है राधा जी के, 360। तो विचार करो कितना श्री कृष्ण उस भाव में डूबे रह रहे और कितने प्रकार से राधा जी श्री कृष्ण की सब प्रकार के सुख आनंद को प्रदान कर रहे हैं, नाना प्रकार से कितनी भाव है, कितनी भंगिमाएं हैं। तो किस रूप में बोलते बाम्य भाव, वहां पर दक्षिण भाव नहीं है। बाम्य भाव समझते हैं क्या होता है, उसको बोलते हैं लेफ्टिस्ट मोड। बाम्य भाव क्या मतलब नहीं समझ आता, जो बात बात पर हेतु अहेतु मान प्रकट कर जाए, कृष्ण के अधीन ना रहे, बल्कि श्री कृष्ण को अनुकूल नायक अपने अधीन करके रखे। इसलिए राधा जी क्या है, मधु स्नेहा, मधु स्नेहा। चंद्रावली जी है घृत स्नेह, घी की तरह, और राधा जी क्या है, मधु की तरह। कोई घी ऐसे खा सकता है, खाना भी बड़ा कठिन लगता है, तो घी को खाने के लिए उसमें कुछ सामग्री मिलाकर तो घी का स्वादन होता है, ये घृत स्नेह। राधा जी है मधु स्नेह, मधु तो शहद हनी वो तो ऐसे ही खाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए राधा जी सब प्रकार से श्री कृष्ण की जो सेवा करती, 360 नाना प्रकार के भावों के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करती, और क्या बताया, सर्व कांति समोहनी परा। राधा जी सर्व कांति, कांति शब्द कृष्ण सकल वांछा रहे और कृष्ण सकल वांछा राधिता रहे, सर्व कांति। राधा जी जो कांति शब्द, उसका अर्थ क्या, बोले कांति शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण की सभी प्रकार की वांछाएं, और वे सभी प्रकार की वांछाएं की पूर्ति कहां होती है, बोले एकमात्र राधा जी में होती है, एकमात्र राधा जी में। अब स्वभाव देखो, एक बात को, एक विषय को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं, इसके लिए थोड़ी सी एक भूमिका आवश्यक है। स्वभाव देखो कैसा,
श्री कृष्ण अपने स्वभाव में भोक्ता अभिमान है, भोक्ता है भी, विषय जाति है, परंतु राधा जी आश्रय जाति है। श्री कृष्ण अपने स्वभाव को छोड़ना चाह रहे हैं, राधा जी के अंग कांति को और उनके भाव को श्री कृष्ण अंगीकार करना चाह रहे हैं। क्यों अंगीकार करना चाह रहे हैं? हम सब जानते हैं वह भाव आस्वादन करना है, इस कारण से। इसलिए है तो विषय विग्रह, परंतु आश्रय विग्रह जैसा भाव अंगीकार करना चाह रहे, स्वीकार करना चाह रहे। ना मात्र राधा जी की अंग कांति, परंतु उनका भाव भी अंगीकार करना चाह रहे। तो स्वभाव परिवर्तन है ना, उसी प्रकार राधा जी का स्वभाव है वाम्य भाव, जो मान कर जाए। जैसे द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा है, रुक्मिणी जी का भाव कैसा? सबमिसिव है, दाक्षिण भाव है। और सत्यभामा जी कभी कभी रूठ जाए, मान कर जाए। उसी प्रकार राधा जी का स्वभाव वाम्य भाव, और वह भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है। श्री कृष्ण को आनंद और सुख लगता है मान मनाने में, इसलिए कभी हेतु कारण से, कभी अहेतु बिना कारण से, और कभी दुर्जय मान, वो जो मान कभी शांति ना हो, मनाने पर भी कभी शांति ना हो, ये है मान। इसको पहनकर क्या होता है? ये दुर्जय मान श्री कृष्ण उसको मनाते हैं वाम्य भाव। परंतु गौर लीला में वही श्री राधा जी जब गदाधर पंडित बनकर आए, कहां पर आए? वो थे बांग्लादेश चिटागांव, जो वहां का एक डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इनका जन्म हुआ। उस समय वो भारत का ही एक अंग था, जिनके पिताजी का नाम माधव, श्री माधव मिश्र, और माताजी का नाम क्या नाम? रत्ना, रत्नावली। श्री गदाधर पंडित जी का जन्म, आज उनकी आविर्भाव तिथि। तो क्या भाव लेकर आए, इसको समझ लो। यहां पर वाम्य भाव नहीं है, यहां पर दक्षिण भाव गौर लीला में। कहने का अर्थ, अपनी प्रियतम श्री कृष्ण के सुख विधान के लिए सब कुछ त्याग दिया। ससाधु कृत्त विबुद्धि उषापी व या माम भाजम दुर्जय गृह श्रृंखला। आपने मेरे सुख के लिए अपनी गृह श्रृंखला को भी त्याग दिया, लोक समाज की सब प्रकार की मर्यादा सब कुछ त्याग दिया। लेकिन इतना आगे कि अपना स्वभाव भी बदल कर अब महाप्रभु गौर लीला में श्री गदाधर पंडित बनकर, वह वाम्य भाव नहीं दक्षिण भाव स्वीकार किया। भाव का ही परिवर्तन। क्यों? कांति शब्दे कृष्ण सकल वांछा रहे। गौर लीला में श्री कृष्ण की वांछा है, तीन वांछाएं जो अपूर्ण रही श्री कृष्ण लीला में, जो गौर लीला में ही पूर्ति होगी। और वो कैसे होगी? वो थे श्री गदाधर पंडित जी सब समय नित्य महाप्रभु जी के साथ रहते, उनके भावों को और प्रेरित करके और उनको शांत भी करते। 12 वर्ष की आयु जब हुई श्री गदाधर पंडित जी की, तो माता पिता बांग्लादेश से मायापुर आ गए, और ठीक शिवास पंडित जी के गृह घर के निकट ही उन्होंने अपना घर बनाया, जिसको हम कहते हैं आजकल श्री गदाधर आंगन। महाप्रभु जी के इस लीलाओं को के साथ श्री गदाधर पंडित जी रहे। कहते हैं बाल काल से ही मित्र रहे। उस समय से जब महाप्रभु जी
नटखट नटखट लीला को करते, गंगा जी में स्नान इत्यादि करते, जल केली करते, ब्राह्मणों के चरणों को खींच लेते, बच्चों के कान में जल फेंक देते, जो कुछ वहां पर कन्याएं गंगा पूजा के लिए आती महाप्रभु जी उनके साथ उनसे हास परिहास विनोद करते। और इसके साथ साथ महाप्रभु जी बहुत बड़े पंडित बन गए, जिनका नाम हुआ पड़ गया निमाय पंडित। और न्याय जो लॉजिक है, जो न्याय शास्त्र, उस न्याय शास्त्र के ऐसे ऐसे सूत्र महाप्रभु जी बोलते और सबको परास्त करते थे। नवदीप जो विद्या का, पूरे विश्व में विद्या का सबसे श्रेष्ठ जो केंद्र था, विद्यानगर, जहां पर समस्त शास्त्र समूह समस्त आचार्य, वहीं पर ही उन्होंने विद्या विलास, ये महाप्रभु जी का विद्या विलास है श्री निमाय पंडित के रूप में। और ऐसी त्राही त्राही मचा दी कि बड़े बड़े पंडित ये देखकर कि निमाय सामने आ रहा है पेड़ के पीछे छिप जाते। ऐसा महाप्रभु जी का वहां पर क्या बोलते हैं प्रभाव नहीं आतंक है। एक ब्राह्मण को पकड़ लेते, महाप्रभु जी बोलते अच्छा इसकी व्याख्या बताओ, तो एक सूत्र बताते। ब्राह्मण बड़ी सुंदर व्याख्या करते, महाप्रभु जी हंसकर बोलते बेकार। उसकी व्याख्या कोई खंडित करके अपनी व्याख्या को स्थापित कर देते। पंडित हैरान, अरे इतना जानता है और ठीक ही तो कहा। परंतु महाप्रभु जी बोलते नहीं ये भी ठीक नहीं, ये गलत बोला। फिर उसको पुनः स्थापित करते तो पंडित और हैरान हो जाते, ब्राह्मण और आश्चर्यचकित हो जाते। अच्छा निमाय ये तो ठीक ही कहा, बोलते नहीं ये भी ठीक नहीं है। फिर उसको पुनः स्थापित करते तो सिर खुजाकर भाग जाते वहां से पंडित। इसलिए आते जाते हर किसी को छेड़ते महाप्रभु जी। ये उनका श्री कृष्ण की भांति एक चंचल स्वभाव, ये नवदीप लीला में ये संभव हुआ। तो जिस प्रकार से महाप्रभु जी सबके साथ करते, ऐसे श्री गदाधर पंडित के साथ भी करते। न्याय के सूत्र कहते, गदाधर जी कहते देखो निमाय हमको ये तर्क वर्क तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप जिस प्रकार से सबके साथ करते हो हमको ये तर्क वगैरह ये हमको पसंद नहीं, और हम उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। और दिन रात सारे नवदीप वाले प्रार्थना करते, विशेष करके श्री गदाधर पंडित जी प्रार्थना करते यदि निमाय वैष्णव हो जाए आहा सोने पे सुहागा हो जाए, सारे गुण इनमें हैं, परंतु वितंडवाद अर्थात पांडित्य चंचल स्वभाव यदि निमाय वैष्णव हो जाए तो क्या बात हो जाए। सबके मन में इच्छा, परंतु विशेष करके श्री गदाधर पंडित जी के हृदय में इच्छा निमाय परिवर्तित हो जाए। समय काल से श्री जगन्नाथ मिश्र प्रकट हुए, परंतु उससे पूर्व श्री ईश्वरपुरी पाद जी मायापुर में आए। महाप्रभु जी ने उनका दर्शन किया, श्री जगन्नाथ मिश्र प्रकट हुए, महाप्रभु जी गया में जाकर पिताजी के लिए वहां पर विष्णुपाद पीठ, श्री गदाधर पाठ पीठ, श्राद्ध इत्यादि कार्यों को वहां पर संपन्न किया अपने पिता के हेतु उनके कारण। और वहीं पर ईश्वरपुरी पाद जी से महाप्रभु जी ने दीक्षा ग्रहण की। जैसे दीक्षा ग्रहण की अब निमाय पहले वाले निमाय नहीं रहे, नेत्रों से झरझर अश्रु बहते हैं, दिन रात खोए खोए से रहते हैं, कभी हंसते कभी रोते। अभी इनका नाम हो गया भावुक निमाय, भावुक निमाय। अपने टोल पे टोल मर
गंगा जी के तट पर, जहाँ पर न्याय इत्यादि शास्त्रों को छात्रों को पढ़ाते, अब तो महाप्रभु जी हर सूत्र की, हर शब्द की, हर वाक्य की व्याख्या कृष्ण परक करते, दिन रात बस कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते, कृष्ण के भीरे में बस वहीं से आरंभ हो गया, दीक्षा के पश्चात भी आरंभ हो गया। कृष्ण भाव में ही सब समय विभोर रहते, और ऐसे करते करते शिवास पंडित जी के आंगन में कुछ पुष्प थे एक बगीचे में, जहां पर भक्त लोग आकर पुष्पों को चयन करते अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। और उस समय एक सूचना पूरे मायापुर में चारों ओर फैल गई, शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार। बोलते भैया ऐसा क्या शुभ समाचार हो गया? निमाई वैष्णव हो गया, निमाई वैष्णव हो गए, शुभ समाचार। तो शिवा सांगन जी के बगीचे में जो पुष्प चयन कर रहे हैं वैष्णव, मतलब महाप्रभु के भक्तगण, तो वहां पर शिवास पंडित जी के साथ वार्तालाप हुई, भेंट हुई श्री राम पंडित जी की। बोलते क्या बात है, बड़े प्रसन्न चित्त लग रहे हैं, एक विशेष आनंद लग रहा है आपके मुखमंडल पर, क्या बात है? बोलते सुना नहीं क्या? अरे चारों ओर सूचना फैल गई, क्या हुआ? निमाई वैष्णव हो गए, सुनकर आनंद में खिल गए, आनंद में, और चारों तरफ ये हल्ला मच गया, निमाई वैष्णव हो गए, निमाई वैष्णव हो गए, निमाई वैष्णव हो गए। और जब कोई महाप्रभु जी के निकट आए तो महाप्रभु जी बस एक ही बात बोलते, कृष्ण कोथाए, कृष्ण कोथाए, कृष्ण कोथाए, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। जो आज पंडितों को, जो पहले पंडित सामने आते उनके साथ तर्क वितर्क करते और फिर तर्क करते फिर वितर्क करते, आज अपने आंखों से अश्रु प्रवाहित करते हुए उन पंडितों के सामने जाकर महाप्रभु जी दीनहीन भाव धारण करके जो उन्होंने कहा उसका स्वयं पालन करते हुए, क्या कहा? त्रिनादपि सुने चेना तरोरपि सह सुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। महाप्रभु जी दीनहीन होकर उनसे यही जिज्ञासा करते, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। सारे छात्र आश्चर्यचकित, जो आज तक एक एक शब्द का, एक एक सूत्र का कितने प्रकार की व्याख्या करते, और अब सारी व्याख्या कृष्ण परक होने लग गई। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से इसका उल्लेख करते हैं, ये क्या हो गया निमाई को। और ऐसे पंडितों को देखकर, ब्राह्मणों को देखकर निमाई मूर्छित होकर गिर पड़ते, सब भक्त लोग आकर कीर्तन करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु जी वे नाम सुनकर, कृष्ण नाम सुनकर अपनी चेतन अवस्था में आते और यही पूछते, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कहाँ मोर प्राण धन मुरली वदन, कहाँ करूँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन। मेरे प्राण धन वे मुरली धारण करने वाले, वे वंशी को धारण करने वाले, वो कहाँ है, क्या ऐसा करूँ, कहाँ ढूंढूँ वे मेरे प्राण धन, वे कृष्ण कहाँ है, कहाँ है। ये कौन कह रहा है? महाप्रभु जी कौन है? स्वयं कृष्ण, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मेरे प्राण धन मुरली वदन कहाँ है।
आपको किसी ने पकड़ लिया क्या? होता है ना, थोड़ा सा इससे हटकर बात करता हूं। एक साधारण व्यक्ति, उसको भूत लग जाए तो क्या बोलता है? भूत की आवाज में ही वो उल्टा पुल्टा बोलता है। सुना कभी? देखा? देखा, सुना भी देखा भी। महिला को भूत पकड़ लिया और आवाज क्या निकल रही है? पुरुषों जैसी, मैं तेरे को मार डालूंगा, बोलता है, डराता है, कर नहीं पाता कुछ, परेशान करता है, गिरा देगा, इधर उधर कुछ कर देगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, लेकिन ऐसा भयभीत कर देता है, रोंगटे खड़े हो जाए। साधारण व्यवहार, साधारण आचरण नहीं रह जाता। महाप्रभु जी को भी, मतलब श्री कृष्ण ने राधा जी के अंग कांति को धारण किया, ये भूत वाली बात नहीं, मान ही कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं समझना, ये अपराध है। परंतु एक उदाहरण से बताया, वह राधा जी का भाव इतना अंगीकार हुआ हुआ है, महाप्रभु जी ने किया हुआ, कि साधारण व्यवहार ही नहीं है। कृष्ण होते हुए क्या कह रहे हैं? कहां मोर प्राण धन मुरली वदन, वे मुरली को धारण करने वाले, यही तो कृष्ण का परिचय है। बोलते गोवर्धन धारण किया तो सीधे ही खड़े रहे, इतना बड़ा भार गोवर्धन जी का धारण किया, सीधे खड़े रहे, कोई टेढ़ापन नहीं आया। जैसे वंशी मुरली को धारण किया, तीन जगह से टेढ़े हो गए, इतनी भारी है ये वंशी, हाँ इतनी भारी। कहा मोर प्राण धन, मेरे प्राणों के धन, कहा करूं, क्या करूं, कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। श्री गदाधर पंडित से पूछने लगे, हे गदाधर, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कोथा है, कृष्ण कोथा है। श्री गदाधर पंडित जी ने कहा, कृष्ण आपके हृदय में है। महाप्रभु जी ने एकदम, अच्छा कृष्ण मेरे हृदय में है, और अपनी छाती को चीरने लगे। गदाधर जी कहने लगे, ठहरो, कृष्ण तो सर्वत्र है, आपके हृदय में भी है, तो ये तो अनुकूल नहीं है। जैसे तैसे कुछ कहकर गदाधर जी ने महाप्रभु जी को शांत किया, महाप्रभु जी परम शांत हो गए, और ये दृश्य सची माता देख रही थी, ये दृश्य सची माता देख रही थी, और देखते ही कि कैसे गदाधर जी, कैसे गदाधर ने मेरे निमाई को शांत किया, और जब से ये गया से लौट कर आया, भाव ही बदल गए, ये वह निमाई नहीं रहा, ये भावुक निमाई हो गया। तो सची माता ने गदाधर पंडित जी से प्रार्थना की, सब समय मेरे निमाई के साथ ही रहना, हे गदाधर, तुम ही ऐसे हो जो मेरे निमाई को शांत कर सकते हो, तुम्हारी बात ही मानता है। गदाधर पंडित तो यही चाहते थे, और आज सची माता के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया। इसलिए श्री गदाधर जी सब समय महाप्रभु जी के साथ, निमाई के साथ सब समय रहते, सभी प्रकार की लीला में। महाप्रभु जी ने जब संन्यास धारण करने की बात विचार कर ली, तो पांच व्यक्तियों को ही पता था, नित्यानंद प्रभु को, सदानंद, जगदानंद, मुकुंद और श्री गदाधर जी। श्रीदास ठाकुर कहाँ आ गए वहां पर? पांच व्यक्तियों को पता, तो उसमें श्री, हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, परंतु उसमें गदाधर पंडित जी भी वहां पर सम्मिलित थे, उनको पता था। जिस समय महाप्रभु जी कटवा गए, श्री गदाधर पंडित भी उनके साथ कटवा गए, और नाभित ने जब महाप्रभु जी के केश मुंडन करने चाहिए, तो श्री गदाधर पंडित विलाप करने लगे, क्रंदन करने लगे, उनसे सहन नहीं हो रहा कि महाप्रभु
अर्थात निमाई संन्यास धारण कर रही है। तक्त्वा सुदुस्तज्य सुरिक्षराज लक्ष्मी धर्मैशार्य वचस यदगादरज्ञम् माया मृगम दैत्रिप्स तन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंद। सब कुछ त्याग करके श्री विष्णु प्रिया देवी जी को छोड़कर महाप्रभु जी निर्दय घाट में छलांग लगाकर कटवा में पहुंचे और वहां पर नापित के द्वारा जब उसको आदेश निर्देश दिया कि मुंडन करो, गदाधर पंडित उसको सहन नहीं कर पाए। श्री गदाधर पंडित जी वहां पर थे और देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रेम का इतना उच्च प्रेम है और श्री गुरुदेव श्रील गुरुदेव बताते कि इस लीला में श्री गदाधर पंडित महाप्रभु जी को विशेष कुछ कह नहीं रहे, मात्र खड़े होकर बस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मेरे भाव और मेरी कांति को लिया ये अभिनय कैसे कर रही है, कैसा अभिनय चल रहा है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं? क्योंकि वहां कृष्ण क्या कर रहे हैं, भाव कांति को धारण करके वह आस्वादन कर रहे हैं। तो लिया किसका? राधा जी का। तो राधा जी भी एक रूप धारण करके सामने प्रकट हैं। किस रूप में? श्री गदाधर पंडित के रूप में। सची माता जी के कहने पर महाप्रभु जी नीलाचल चले गए और दिन रात उसी भाव में विभोर रहते, मूर्छित होकर गिर पड़ते, नाना प्रकार की बातें, कभी सिंह द्वार पड़े कभू सिंधु तीरे, कभू सिंह द्वार पड़े कभू सिंधु तीरे, कभी सिंह द्वार पर गिर पड़ते कभी कभू अर्थात कभी समुद्र में छलांग लगा देते उनको जमुना जी समझकर। जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में जाते तो वृंदावन वृंदावन कर उच्चारण करके वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ते। ऐसी स्थिति महाप्रभु जी हो जाए कहां पर? बोलते विष अमृत एकात्र मिला। महाप्रभु जी का स्वरूप कैसा? बोलते विष और अमृत का एक घड़ा में, एक घड़े में जैसे विष और अमृत एक साथ मिला हो। बोलते विष क्या, ये घड़ा क्या? घड़ा का मतलब ये महाप्रभु जी, जहां पर विष और अमृत एक साथ मिला हुआ है। कभी ऐसा संभव है एक घड़े में विष और अमृत एक साथ मिल जाए? या तो विष रहेगा या अमृत रहेगा, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी का स्वरूप क्या, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं विष अमृत एकात्र मिलन। विष और अमृत का एक साथ मिलन एक स्वरूप में वह है गौरंग महाप्रभु। विष क्या? होते विरह। अमृत क्या? होते मिलन। इतना गाढ़ा मिलन है कि राधा कृष्ण एक तनु हो गए और विरह इतने निकट होने पर, एक तनु होने पर भी विरह इतना अगाध है समुद्र की भांति। सुपिदाविर नवकाल कूटो कटुट गर्भस्थ निर्वासनम निशेन देनम मूढ़म शुद्ध मधुरमी अंकर अहंकार संकोचना प्रेम सुंदरी नंद नंदन परम जगत यस्य अंतरे। श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बोलते ये कैसा स्वभाव है महाप्रभु जी, जिस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं उस प्रेम के आगे ये जो विष है, विष को भी लज्जा आ गई। लज्जा आ गई मतलब विष का प्रभाव क्या होता है, जलाने वाला। लेकिन ये विरे की ज्वाला इतनी अधिक हो रही है इस समय कि विष को भी लज्जा आ गई अपने पर। और विष भी कौन सा, कोई साधारण नहीं, हलाहल नामक विष। उसको भी लज्जा आ गई कि ये तो इस समय महाप्रभु जी जिस विरे को विरे में हैं, ये तो मेरे प्रभाव से भी अधिक है। विष का प्रभाव
जिसको स्पर्श करने से व्यक्ति मर जाए, है कि नहीं? साइनाइड कोई थोड़ा आज तक बता ही नहीं पाया उसका टेस्ट क्या है, स्पर्श करते ही वो मर जाए, हलाहल विष। उसी विष को शिव पान कर रहे हैं, मीरा जी पान कर रहे हैं, सब पान कर दिए। महाप्रभु जी जिस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, राधा जी का भाव कांति, उस भाव का जो आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण, वो विष भी लज्जित हो गया इनके विरह के सामने। और विष की तो बात छोड़ो, जो अमृत है उसको भी अपने गर्व पर लज्जा आ गई। अमृत को गर्व है कि मेरे को मात्र देवता ही पान कर सकते हैं। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान ने चार चार अवतार धारण किए, अजीत भगवान, कच्छ भगवान, धन्वंतरी भगवान, मोहनी अवतार, चार चार अवतार धारण किए जिस अमृत को पान करने के लिए। और देवता उस अमृत को पान करके चीर आयु रहते हैं और उसी के गर्भ में चूर रहते हैं। महाप्रभु जी जिस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं उसमें इतना गाढ़ा मिलन है कि अमृत का अभिमान भी चूर चूर हो गया। इसलिए विष अमृत एकात्र मिलन, दोनों का मिलन एक साथ। इसलिए श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर बंगाल से भक्त लोग आते, महाप्रभु जी सारे भक्तों को ये 18 नाला, जो कि हाँ पुरी का जो प्रकोष्ठ है, भारी प्रकोष्ठ, वहां पर जाकर सारे भक्तों को स्वागत करते। श्री गदाधर पंडित भी आते, महाप्रभु जी के साथ नित्य संकीर्तन में श्री गदाधर पंडित जी भी सम्मिलित होते, परंतु श्री गदाधर पंडित चुपचाप देखते रहते अभिनय चल कैसा रहा है। परंतु इसी के अंतर्गत जब रथ यात्रा पूर्ण हो जाती, महाप्रभु सारे भक्तों को बोलते जाओ अब लौट जाओ। जब लौटने की बात कहते तो सारे भक्त कैसे हो जाते, किसी की जाने की इच्छा होती? सबके मन में यही इच्छा, हम नीलाचल में ही वास करें, हम पुरी में ही रहें, सबके मन में इच्छा। परंतु महाप्रभु जी ने कब लौट जाओ और पुनः रथ यात्रा पे आना, श्री गदाधर पंडित जी इसको सहन नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने विचार किया, यदि महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया, कहां पर स्थान बनाया, वो थे जगन्नाथपुरी में, तो श्री गदाधर पंडित जी भी कहने लगे मैं भी क्षेत्र संन्यास ले लूंगा, कि एक बार क्षेत्र में अर्थात श्री क्षेत्र जिसको कहते हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम, जिसको कहते हैं शंख क्षेत्र, पुरी के बहुत से नाम हैं, शंख क्षेत्र, नीलाचल, विप्रलंब क्षेत्र और शी क्षेत्र, ऐसे बहुत से नाम हैं। तो क्षेत्र संन्यास मतलब अब महाप्रभु कह नहीं सकते लौट जाओ, मैं पुरी में ही रहूंगा, क्योंकि जहां महाप्रभु रहेंगे वहां पर मैं ही रहूंगा। बंगाल के भक्तों को महाप्रभु कहेंगे जाओ लौट जाओ, इनको तो कह भी नहीं सकते अब लौट जाओ, क्यों? क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास वह संन्यास होता है कि उस क्षेत्र को छोड़कर कोई जा नहीं सकता, फिर उस क्षेत्र को छोड़कर कोई जा नहीं सकता, इसलिए क्षेत्र संन्यास लिया। गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी के साथ रहते और एक दिन ऐसा सुंदर रमणीय स्थान महाप्रभु जी जहां पर चटक पर्वत का दर्शन करते और चटक पर्वत को देखकर महाप्रभु जी कहते हैं ये क्या है, गिरिराज गोवर्धन, और समुद्र को देखकर क्या कहते हैं, ये है कालिंदी, पूरा ब्रज का स्मरण हो जाता। उन्हीं चटक पर्वत से महाप्रभु जी ने एक गोपीनाथ जी का विग्रह निकालकर श्री गदाधर पंडित जी को सौंप दिया। कब सौंपा,
अब जब ये विषय आ गया सामने, महाप्रभु जी की तीव्र इच्छा हो रही है मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, महाप्रभु जी की इच्छा हो रही है। तो अच्छा आप वृंदावन जाएंगे तो चलो हम भी चलते। सब कहने लगे हम भी चलते। महाप्रभु जी ने निषेध कर दिया, बोलते कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। श्री दामोदर पंडित जी कहने लगे मैं चलूं, बोलते ना बाबा तुमको तो लेना नहीं साथ में। क्यों? दामोदर पंडित शासन करते हैं, महाप्रभु पर शासन। कैसा शासन? एक छोटा सा बालक, महाप्रभु जी उसको स्नेह करते और दामोदर पंडित आकर महाप्रभु जी पर शासन करते, और करो प्रेम बच्चे से, और करो प्रेम बच्चे से। महाप्रभु ने बोला कि बच्चे से प्रेम कर रहा हूं, क्या सुविधा है? असुविधा बच्चे में नहीं, इसकी माता युवती है और क्या है, विधवा है। गोसाई क्या कहेंगे लोग? तो नम्र भाव से नहीं कहा, शासन करते हो कहा। महाप्रभु जी ने दामोदर पंडित जी को कहा तुम नवदीप में ही रहना, आप नवदीप में ही रहना। तो इनको निषेध किया। ऐसे करते करते बहुत विस्तार है, सब कहने लगे हम चलेंगे, किसी को नहीं। श्री गदाधर पंडित जी भी कहने लगे मैं आपके साथ चलूंगा। महाप्रभु जी ने विचार किया, वृंदावन, श्री गुरुदेव कहते हैं वृंदावन में जाकर महाप्रभु जी उस ब्रज भाव को आस्वादन में मग्न रहते, और श्री गदाधर पंडित यदि साथ चल दे तो वहां पर कृष्ण स्वरूप प्रकट हो जाएगा। श्री गदाधर पंडित जी को राधा रानी के रूप में दर्शन करके वहां श्री कृष्ण स्वरूप प्रकट हो जाएगा, और जिस हेतु जिस कारण ये परिशिष्ट भाग है श्री कृष्ण लीला का, कौन सी, श्री गौर लीला का, वह आने का जो प्रयोजन है, जो मुख्य प्रयोजन है, वह आस्वादन नहीं हो पाएगा, वह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए महाप्रभु जी ने निषेध कर दिया, नहीं आपने तो क्षेत्र संन्यास लिया, शास्त्र में लिखा क्षेत्र संन्यास धारण करने पर क्षेत्र में ही रहना पड़ता है, उस क्षेत्र से बाहर जाना भी शास्त्र का उल्लंघन है, नियम का उल्लंघन है। तब गदाधर पंडित जी प्रार्थना करने लगे, बोलने लगे आप मुझको यहाँ पर छोड़कर मत जाइए, मैं आपके साथ वृंदावन जाऊंगा, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, और आपने क्षेत्र संन्यास का जो वास्ता दिया, ऐसे 1000 क्षेत्र संन्यास को मैं तिलांजलि देता हूं, लेकिन आपके चरण कमलों को मैं छोड़ नहीं सकता, आपको मैं छोड़ नहीं सकता, ऐसे क्षेत्र संन्यास को मैं तिलांजलि देता हूं। महाप्रभु जी कैसे अनुमोदन करें, कैसे परमिशन दें? क्यों, भारी निंदा होगी, क्षेत्र संन्यास लेकर छोड़कर जाना भारी निंदा होगी। परंतु कारण कुछ और, मुख्य कारण और गौण कारण, लेकिन गदाधर पंडित जी अपना क्षेत्र संन्यास छोड़ने को तैयार है। क्यों? उसे वहां पर प्रेम का इतना प्राबल्य है कि इतना सब जानते हुए भी, समझते हुए भी कि यह संन्यास आश्रम के विरुद्ध है, जबकि महाप्रभु जी बड़े कठोरता से सारे संन्यास आश्रम के नियम कानून को पालन करते हुए, परंतु श्री गदाधर पंडित जी भी सब जानते हुए प्रेम का इतना प्राबल्य है कि महाप्रभु जी का विरह सह नहीं कर पाएंगे, बल्कि महाप्रभु जी के साथ ही जाकर उनसे नित्य मिलन ही प्राप्त करना चाहते, महाप्रभु का विरह सहन नहीं करना चाहते। इस कारण से तो क्षेत्र संन्यास लिया था कि नीलाचल में रहेंगे, और अब तो ये वृंदावन जा रहे हैं।
कब लौट कर आएंगे ये भी ठीक नहीं। तब महाप्रभु जी ने कहा, हे गदाधर, एक गोपीनाथ जी का विग्रह निकालकर, जो बहुत लंबा चौड़ा श्री गोपीनाथ जी का विग्रह निकालकर गदाधर पंडित जी को अर्पण किया, उनको सौंप दिया ये कहकर, हे गदाधर, ये मेरे प्राणनाथ हैं, क्या मेरे प्राणनाथ की सेवा करेंगे? श्री गदाधर पंडित जी ने कहा, यदि आपके प्राणनाथ हैं तो क्यों नहीं सेवा करूंगा। तो वह विग्रह श्री गोपीनाथ जी का विग्रह, जिनको कहा गया श्री टोटा गोपीनाथ, टोटा अर्थात बगीचा, जिस बगीचे से वो गोपीनाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ वह है श्री टोटा गोपीनाथ, गदाधर पंडित जी को सौंप दिया। और श्री गदाधर पंडित जी उनका अर्चन करने लगे। महाप्रभु जी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, भागवत जी का वस्तु निर्देश आत्मक श्लोक कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी किस वस्तु का प्रतिपादित करती है? होते परम सत्य वस्तु का ध्यान करना। वह परम सत्य वस्तु क्या? होते श्री कृष्ण। श्री कृष्ण में परम सत्य वस्तु है। वेद जिनको ढूंढते हैं, परंतु भागवत जी है आश्य जाति ग्रंथ। आश्य जाति भक्तों की महिमा का विशेष रूप से गान करने वाले ग्रंथ, इसलिए भक्त भक्त ही श्रीमद् भागवत जी की अर्थ को और व्याख्या को सुष्ठु रूप से कर पाएंगे। अहम वेत्ति, शुक वेत्ति, व्यास वेत्ति, न वेत्ति वा भक्तम भागवत ग्राह्यम, न बुद्धि ना चटीक है। कौन कहता है? श्री शिव जी इस बात को कह रहे हैं। अहम वेत्ति, शिव जी कह रहे हैं मैं भागवत जी को समझता हूं। शुक वेत्ति, शुकदेव गोस्वामी जी समझ सकते हैं। व्यास वेत्ति न वेत्ति वा व्यास जी ने लिखा वो समझ पाए कि नहीं पाए, मैं नहीं जानता। जो भागवत जी लिख रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे, ये शिव जी कह रहे हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, और शुकदेव गोस्वामी जी व्यास जी की कृपा प्राप्त है, श्री जनक महाराज की कृपा प्राप्त, मैं शुकदेव गोस्वामी जी भागवत जी को समझ पा रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं। शिव जी किनके मुख से भागवत सुनते हैं? शेष भगवान, संकर्षण भगवान के मुख से भागवत सुनते हैं, और वही संकर्षण जिनको शेष ही कहा जाता है, उनको उनके प्रतिनिधि के रूप में गले में सांप लटका कर रखते हैं। तो इसलिए शिवजी ये महिमा को जानते हैं। वृहद भागवत अमृतम में जब नारद जी अन्वेषण कर रहे हैं कि भगवान के सबसे प्रिय पात्र कौन है, जब शिवजी के निकट आए तो शिवजी ने लक्ष्मी जी की ओर भेजा, प्रेरित किया नारद जी को? नहीं। जब लक्ष्मी जी सब समय भगवान के चरण सेवा करती रहती है, सम्मान करती है, पलटती रहती है, शिव जी ने उनके निकट नहीं भेजा नारद जी को। किनके निकट भेजा? प्रहलाद जी के। क्यों? आश्रय जाति भक्ति का यहां से ज्ञानी भक्ति यहां से आरंभ होता है। ये जानकर कि भगवान ने स्वयं इस बात को कहा, ना च श्री नैवात्म च यथा भगवान, श्री लक्ष्मी भी मुझको उतनी प्रिय नहीं, मेरी आत्मा भी उसको मुझको उतनी प्रिय नहीं, ब्रह्मा मेरा पुत्र मुझको प्रिय नहीं, संकर्षण मेरा भाई मुझको प्रिय नहीं, जितने हे उद्धव तुम मेरे भक्त मुझको प्रिय हो। इसलिए भक्त भक्त की महिमा को जानते हैं, और भक्त ही भागवत जी को पूर्ण रूप से सुष्ठु रूप से समझ सकता है, श्री कृष्ण भी नहीं समझ सकते।
भक्त समझा सकते हैं। ये रस विचार तत्वता नहीं कह रहे, श्री कृष्ण तो सब समझते, परंतु जिस प्रकार से शिव जी कह रहे आम व्यक्ति भागवत जी का विचार मैं समझ सकता हूं, सुखदेव गोस्वामी जी समझ सकते हैं, व्यास व्यक्ति न व्यक्ति वा, ये भागवत जी ऐसा ग्रंथ जो बुद्धि से टीका से समझ नहीं आ सकता। यहां पर व्यास जी की महिमा को छोटा नहीं कर रहे, परंतु एक बात समझा रहे हैं कि उनके द्वारा लिखने पर भी वो समझ पाए कि नहीं पाए मैं नहीं जानता। महिमा को न्यून नहीं कर रहे, परंतु एक बात को स्थापित किया जा रहा है, एक सिद्धांत को स्थापित किया जा रहा है, समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार समस्त आश्रय विग्रह, समस्त आश्रय जाति भक्त उनके किनके चरण अनुगत करते हैं, बोलते राधा जी के। और विचार करो यदि राधा जी श्रीमद् भागवत जी की व्याख्या करें, स्वयं राधा जी यदि भागवत जी की व्याख्या करें, जो भागवत जी आश्रय जाति ग्रंथ हैं, तो क्या अपूर्व महिमा होगी, और कौन नहीं सुनेगा, जिसको सुनने के लिए स्वयं महाप्रभु जी ललायत हो जाएं और रोज आकर श्री गदाधर पंडित जी के निकट बैठकर भागवत जी को श्रवण करें। आज कौन श्रवण कर रहा है? श्री कृष्ण श्रवण कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण वक्ता है, सब जगह तो वक्ता ही है, श्रोता तो कहीं है नहीं, तो बेचे जाती है ना, भगवत गीता कह दी ओम सर्वस्व प्रभो, वक्ता भगवत गीता, फिर चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुयंत यस सूर्या, ब्रह्मा जी को सारा सिद्धांत सुना दिया, वक्ता बन गए श्री कृष्ण। वही श्री कृष्ण अब श्रोता बनना चाहते हैं। अरे वक्ता बनकर तो बहुत देख लिया, लेकिन श्रोता किस भाव से कथा सुनता है और क्या भाव उमंग हृदय में जागृत होती है, क्या स्वादन होता है, श्री कृष्ण कह रहे मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो वक्ता हूं लेकिन मैं श्रोता बनना चाहता हूं। क्या कृष्ण लीला में कभी श्रोता बने? बने, बने श्रोता राज लीला में, जहां पर श्री कृष्ण अंतर ध्यान है और समस्त गोपियां श्री कृष्ण की गुणावलियों का वर्णन कर रही हैं, अपने हृदय के उद्गार उस प्रेम के साथ जो प्रकट कर रही हैं, जहां पर श्री कृष्ण के स्वभाव गुण तत्व सब कुछ का वर्णन अपने उद्गार के माध्यम से प्रकट कर रही हैं, श्री कृष्ण थोड़े से मंद मंद मुस्कुराते हुए और थोड़े से लज्जित होते हुए गोपियों के सामने प्रकट हुए, लज्जा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं, अरे 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 हमने तो ऐसे परिहास किया था, गोपियां आप तो बड़ी गंभीर हो गई, हम तो बस परिहास कर रहे थे, ये तो हंसी मजाक चल रहा था, आपने सीरियसली ले लिया, ऐसे बोलते हैं ना, अरे आप तो सीरियस हो गए, होता है ना, किसी से हास परिहास करो वो दूसरा व्यक्ति सीरियस हो जाए। कृष्ण कह लगे मैंने तो हास परिहास किया था, आप तो गंभीर हो गई, तो इसे लज्जाते हुए साक्षात मन्मथ जब श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए, गोपियों ने अपने दुशालों को, अपनी ओढ़नियों को, जो ओढ़नी में धूल लगी हुई है ब्रज की, जिन ओढ़नियों में उनके आंख नेत्र से जो अश्रु हैं और काजल के साथ वो अश्रु उस ओढ़नियों में जो गिरे हुए धब्बे लगे हुए हैं, ऐसी ओढ़नियों को वहां पर बिछा दिया गया, क्यों आसन प्रदान कर रहे हैं पुजारी जी, अर्चन के समय में आसन देते हैं ना, इदम आसनम, आसन प्रदान किया जाता है और बढ़िया सा अच्छा सा आसन दिया जाता है। ये कौन सा आसन है जो गोपियां दे रही है, धब्बों से लगा हुआ, धूल मिट्टी से लगा हुआ, इससे अच्छा आसन दो ही में धूल में बैठ जाते, नहीं, ये आसन की तो इतनी महिमा श्री कृष्ण में विचार करें कि कैसे मैं इनको इस आसन पर बैठूं या अपने मस्तक पर धारण करूं,
इसमें मात्र धूल नहीं है, इसमें मात्र अश्रु, काजल युक्त अश्रु नहीं है, गोपियों का समस्त प्रेम इसमें उड़ेल दिया गया है। समझ रहे हैं? जहां पर उन गोपियों की रज की महिमा को श्री कृष्ण जगत के सामने प्रकट करते हुए नारद जी के द्वारा उस गोपियों की रज को मंगवा रहे हैं, मस्तक पे धारण कर रहे हैं, ये ओढ़नी ये चुनरी तो उस धूल में तो धूसरित हो रही है। जहां पर श्री कृष्ण के विरह में कि अभी श्याम सुंदर यहां थे, युगैतम निमेषेना चाक्षुष प्रभाषित शून्यायति जगत सर्वम गोविंद विरहन में, एक निमेश काल भी, एक सेकंड का 1/11 हिस्सा भी यदि कृष्ण का दर्शन नहीं होता तो हमारी क्या दुर्गति होती है। कृष्ण आप कैसे समझोगे, आप नहीं समझ पाओगे। और यही तो कृष्ण समझना चाहते हैं कि जो मैं नहीं समझ पा रहा और ये जो ये समझ रही हैं, तो मैं भी इनके द्वारा और इनके जैसा समझना चाहता हूं। बात समझ आई? मैं भी तो समझना चाहता हूं ये है क्या। और यही समझने के चक्कर में, यही समझने के कारण श्री कृष्ण वहां पर राधा जी के भाव में आश्रय भाव को धारण करके उस प्रेम का स्वादन कर रहे, उस ओढ़नी पर आसन के द्वारा जो प्रदान कर दी गई, प्रेम ही प्रदान कर दिया, उस पर श्री कृष्ण विराजमान होकर वो सुन रहे हैं, श्रोता बन गए। ना पारे हम निर्बल तू समझ, यहां पर वक्ता भी श्रोता बन जाए। सिखाना श्रवंती गायंती गृणंत साधवा तदवाग सर्गो जंतो विप्लो यस्मि प्रति श्लोकम वद तोयमपि यशो अंकितानि यशनवन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। ये कृष्ण कथा ही ऐसी है, ये कृष्ण गाथा ही ऐसी है कि जहां पर कोई श्रोता मिल जाए तो वक्ता होने की इच्छा हो जाए, जहां पर कोई वक्ता मिल जाए, कोई श्रेष्ठ वक्ता मिल जाए तो स्वयं श्रोता बनने की इच्छा हो जाए, और यदि श्रोता और वक्ता ना हो तो स्वयं उसमें अध्ययन करके स्मरण करके उसमें डूबने की इच्छा हो जाए। ये तो कृष्ण कथा ही ऐसी है। सुनवताम स्वकथा, कृष्ण पुण्य शबन कीर्तन हिदयं तो सही भद्राणी विनोतिम सुरिन सताम। ये कथा क्या है? कथा अमृत है, ये अमृत है। इस अमृत को श्री कृष्ण भी पान करते हैं अपने कानों से, लेकिन वहां पर वक्ता कौन हो, उसे कोई प्रेमी वक्ता हो, अन्यथा वेद स्तुति हरिते हरम नहीं, प्रिय यदि मान करे कोरे भरसन, वेद स्तुति हरिते हरे मोर मन, वेद स्तुति सुनते सुनते बोलते मेरे कान पक गए, परंतु प्रिय यदि मान करे कोरे भरसन, यदि राधा जी मान करे और भर्त्सना करे, अपव्यवहार भी शब्द करे, आहा कान को अमृत के समान लगता है, वहां श्रोता होने की इच्छा हो जाए, वक्ता श्रोता हो जाए। लेकिन वक्ता कैसा हो, वो तो प्रेमी भक्त हो, और यहां तो प्रेम की सीमा है, ये है ना। राधा जी की प्रेम कैसा है, बोलते विरुद्ध धर्म आश्रय। श्री कृष्ण कहते हैं चैतन्य चिन्हामृत में, अमी जैसे विरुद्ध धर्म है राधा प्रेम, तैसे विरुद्ध धर्म आश्रय। राधिका प्रेम विभु जार भाड़ित नहीं ठाई, तथापि से खने खने बढ़े सदाई। राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा है जिसके बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं है, इससे ऊपर क्या होगा। अब समझ आ रही बात,
राधा राधे राधा प्रेम विभू, राधा जी का प्रेम है इतना ऊंचा है, जार बाड़ी ते नहीं ठाई, बढ़ने की संभावना नहीं है, फिर भी वो प्रेम कैसा खने खने बड़े सदाए, हर क्षण में वो बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए। भाई क्या है ऐसा प्रेम, ऐसा वक्ता मिल जाए तो कृष्ण भी श्रोता हो जाए। और श्री कृष्ण श्रोता होकर उस प्रेम के उद्गार को श्रवण कर रहे, तो यहाँ पर तो एक तो वहां श्रोता बने और फिर महाप्रभु की लीला में भी श्रोता बने, दो बार श्रोता बने जहां पर ऐसे वक्ता मिल जाए। एक तो श्री रमनन राय जी के यहाँ पर, विशाखा सखी के यहाँ पर, गोदावरी के तट पर महाप्रभु जी वहां पर श्रोता बने हुए हैं। और किनसे सुन रहे हैं, वो थे प्रेमी भक्त श्री रामानंद राय, रस विचार श्रवण कर रहे हैं। और दूसरी ओर साक्षात राधा रानी श्री गदाधर पंडित जहां पर वक्ता हो, तो औरों की तो बात ही छोड़ दो कि मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हरणी, सारे मुनिंद वृंद की तो बात छोड़ दो, सनन सनंदन सनातन वरंदते चरिते, जहां पर वो उनके गुणगान गाते रहे उनकी तो बात ही छोड़ दो, शिव सब समय जिनके गुणगान सुनने के लिए उपस्थित रहे, चतुर कुमार उपस्थित रहे, सब उपस्थित रहे, और उनकी तो बात ही छोड़ दो। रसिक शेखर अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण जिनको वेद भी ढूंढते फिरते हैं, वह श्री कृष्ण वहां पर श्रोता बने हुए हैं, महाप्रभु जी श्रोता बने हुए, और गदाधर पंडित जी से भागवत सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं, प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद चरित्र के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। तब इतनी प्रार्थना करो, प्रत्येक दिन श्रोता बनकर भागवत सुनते, और महाप्रभु जी के निषेध करने पर गदाधर आप हमारे साथ वृंदावन नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वृंदावन गए इनके साथ तो वो भाव का स्वाद नहीं होगा जिसके लिए इतना सब किया गया, वहां पर कृष्ण स्वरूप प्रकट हो जाएगा, गदाधर जी को राधा रानी देखकर आलिंगन प्रदान कर देंगे, बस हो गया पूरी लीला का चौपट वहां पर। इसलिए श्री गदाधर पंडित जी श्री कृष्ण श्री महाप्रभु के विरह में श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते, इतना लंबा विग्रह खड़े होकर वंशीवादन करते, परंतु गुरु जी एक सिद्धांत बताते हैं, वो तो गदाधर पंडित वृद्ध हो गए तो बड़े कठिनाई से ठाकुर जी का श्रृंगार करते, विशेष करके फूल माला जो अर्पण करते, बड़ी कठिनाई से वृद्धावस्था आ गई, इसलिए गोपीनाथ जी स्वयं बैठ ही गए, आलती पालती मारकर बैठ गए, पद्म आसन में बैठ गए, क्यों, गदाधर जी से सेवा ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान बैठ गए। गुरुजी कह रहे, गुरुजी ने कहा नहीं, महाप्रभु और गदाधर पंडित जी में कोई विशेष अंतर नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है, समकालीन है। तो फिर गदाधर पंडित जी वृद्ध हो गए कैसे संभव है, महाप्रभु जी 48 साल में तो लीला संवरण कर ली, तो इतने में कोई वृद्ध हो जाता है, वृद्ध जैसे हो गए। गुरु जी अपनी टिप्पणी करते हुए कहते हैं, अपनी टीका देते हुए कहते हैं यहां पर कि श्री गदाधर पंडित जी विरह के कारण, गुरु जी ने कहा जैसे कोई व्यक्ति बड़ा उदास हो जाए, उनका कोई प्रिय व्यक्ति छोड़कर चला जाए, या तो शरीर ही छोड़ दिया या उनका साथ ही छोड़ दिया, तो दिन रात अपने उस प्रिय व्यक्ति का स्मरण करते 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 रोते बिल्लाते हुए, खान पान छोड़ते हुए, नींद भी उड़ गई, तो क्या हो जाता है, समय से पहले व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। श्री गदाधर पंडित जी आयु से वृद्ध नहीं हुए, श्री गुरुदेव कहते विरह के कारण वृद्ध जैसे हो गए, इसलिए झुक गए लेकिन अपने नियम को नहीं छोड़ा। क्या नियम,
कि गोपीनाथ जी की रोज दिन अर्चन करना है, श्रृंगार करना, ये नियम, वो तो ये नियम नहीं, महाप्रभु जी बोल गए ये मेरे प्राण धन है, ये गदा धन मेरे प्राण धन की सेवा करेंगे। महाप्रभु जी जिनको अपना प्राण धन कह गए, श्री गदाधर कहने लगे यही मेरे प्राण स्वरूप है, यही मेरे प्राण स्वरूप है। इसलिए श्री गदाधर पंडित जी के उस प्रेम के कारण, स्नेह के कारण स्वयं श्री कृष्ण आलती पालती मारकर बैठ गए। यहां पर वही लीला स्मरण हो जाती है जो जमुना जी के तट पर हो रही है, जहां पर जब राधा जी हृदय के उद्गार प्रकट कर रही और श्री कृष्ण आलती पालती मारकर वंशी बजाकर बैठ गए, ठीक वही प्रसंग यहां पर उपस्थित हो रहा है जहां पर श्री कृष्ण श्रोता बने हुए हैं और महाप्रभु जी भागवत सुनने आते। और इसी प्रकार एक दिन श्री महाप्रभु जी भाव विभोर होकर मंदिर के भीतर प्रवेश कर दिए और फिर बाहर लौट कर आई नहीं। श्री गदाधर पंडित विचार करने लगे कहां गए कहां गए, देखा तो श्री गोपीनाथ जी के विग्रह में ही महाप्रभु जी समा गए, गोपीनाथ जी के विग्रह में ही सायुज्य प्राप्त कर उनमें समा गए। श्री गदाधर पंडित इस प्रकार से महाप्रभु के विग्रह में श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते, इसलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने गौड़ीय वैष्णव विचार के अनुसार राधा कृष्ण युगल की माधुर्य रस सेवा प्राप्ति के उपाय स्वरूप श्री गौर गदाधर जी की सेवा का प्रचलन आरंभ किया। गोद्रुम द्वीप में जाकर जहां पर श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की समाधि, वहीं पर श्री गौर गदाधर जी, जो भक्ति ठाकुर जी गौर नाम गौर धाम और गौर काम, महाप्रभु और श्री गदाधर पंडित जी का, गौर गदाधर जी का एक साथ वहां पर दर्शन प्राप्त। और वही गौर गदाधर जी कहां पर और दर्शन, नवदीप में चांपाहाटी द्विज वाणीनाथ जी के द्वारा सेवित श्री गौर गदाधर जी का वहां पर दर्शन प्राप्त होता है। ये बैठे बैठे उनका स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में हम अपना प्रणाम निवेदन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि आप हमको भक्ति प्रदान करें, श्री गुरु चरणों में हमारी निष्ठा, श्री गुरु चरणों में हमारी सेवा और राधा कृष्ण युगल के चरणों की सेवा महाप्रभु जी के अनुगत में हमको प्राप्त हो। हे श्री गदाधर पंडित जी, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, ये बात तो बड़ी असंभव सी है कि हमें वह प्राप्त हो, परंतु संभव कराना आपके लिए सहज है। हम आपके चरणों में चरण युगलों में आप यही प्रार्थना करते हैं, हे श्री गदाधर पंडित, आप हमको महाप्रभु जी का कि वह भक्ति वह गौर प्रेम हमको प्राप्त हो। इसी के साथ आज की कथा का यहाँ पर विराम करते हैं, संध्या में फिर इंग्लिश में श्रवण करेंगे। श्री श्री गौर गदाधर की, श्री गदाधर पंडित की, तदि आविर्भाव तिथि की, वो मंगल हरिनाम संकीर्तन की, निताई गौर विमानंदे हरि। कुछ आंख में जा रहा था आज, पता नहीं यहाँ दो लेना क्या, आंख में भी जाता है नाक में भी जाता है। Thank you.
सबकी जय। मिताई बोल प्रणाम दे हरि हरि बोल।